हेलो एवरीवन आई एम अन्नपूर्णा एंड वेलकम टू माय चैनल आज हम बनाएंगे पेपर बैग ओल्ड न्यूज़पेपर से पेपर बैग मींस बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट तो इसके लिए हमें चाहिए एक न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर उसके अलावा हमें चाहिए ग्लू फेविकॉल स्केल और पेंसिल उसके अलावा रस्सी यहाँ पे आप कोई भी रस्सी यूज़ कर सकते हो जो आपके पास घर में अवेलेबल है अदरवाइज़ मार्केट में इस तरीके के आ, रोप रस्सी भी मिलते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं बट अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो आप न्यूज़पेपर पर ही बनाइए और घर में जो भी आपके पास रस्सी या धागा जो भी है आप उसी को यूज़ करना अदरवाइज़ आप जो घर में पुराना ऊन होता है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं तो अब सबसे पहले हम लोग पेपर पे इस तरीके से ग्लू लगाएंगे ग्लू लगाकर इसे फैलाएंगे और इसको पेस्ट करेंगे न्यूज़पेपर काफ़ी ज़्यादा थिन होता है पतला होता है इसलिए इसे मोटा करने के लिए इस तरीके से इसे डबल में पेस्ट करना ज़रूरी है ताकि वो थोड़ा मोटा हो जाए उसके बाद उसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करते समय यहाँ पे मैं तीन सेंटीमीटर फोल्ड कर रही हूँ आप स्केल से एक बार नाप लेना चेक कर लेना तीन सेंटीमीटर होना चाहिए उसके बाद इसे हम इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे बराबर आधे में इसे हमें फ़ोल्ड करना है इस तरीके से उसके बाद आधा जो पार्ट है उसको उठाकर हम लोग फिर से जहाँ पे हमने हाफ़ डिवाइड किया था वहाँ पे फोल्ड करेंगे ये पेपर तो अंदर साइड रहेगा उसके बाद ये पेपर को हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे ओके ये सेंटर पॉइंट है और उसके बाद ये पेपर और सेकेंड साइड भी हम इसी तरीके से फ़ोल्ड करेंगे यू ओके okay, तो यहाँ पे मैं तुरंत बना रही हूँ बट अगर आप पेपर को ग्लू से जब पेस्ट करोगे उसके बाद थोड़ी देर रुकना उसके बाद ही मिस जब पेपर सूखेगा उसके बाद ही हमें ये स्टेप करना है तो अभी मैं फिर से ग्लू लगा रही हूँ ग्लू लगा कर इसको फैला कर हम लोग इसको पेस्ट करेंगे जब भी हम लोग पेपर पेस्ट करेंगे थोड़ा पाँच दस मिनट हमें रुकना है फिर आगे का स्टेप करना है तो अभी यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैं सब तुरंत कर रही हूँ इमिडिएटली कर रही हूँ बट आप थोड़ा सा रुक कर फिर करना ओके तो अभी मैंने इसे इस तरीके से पेस्ट कर लिया है पेस्ट करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करने के बाद भी हमें एक दो मिनट रुकना है ताकि अच्छे से, से सेट हो जाए उसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे ओके तो अब ये हो गया उसके बाद हमें ये डाउन साइड नीचे का पोर्शन है तो उसके लिए भी हमें पेपर को एक बार और फोल्ड करना है तो यहाँ पर भी मैं तीन सेंटीमीटर ले रही हूँ तीन या चार आप ले सकते हैं तीन सेंटीमीटर या चार सेंटीमीटर आप जितना भी ले रहे हो वो इक्वल रहना चाहिए एक जैसा रहना चाहिए तो पहले जो मैंने फोल्ड किया था वो ऊपर वाला पार्ट था अभी ये जो फोल्ड कर रहे हैं ये नीचे के लिए है तो अभी मैंने इसे इस तरीके से फ़ोल्ड किया है फ़ोल्ड करने के बाद अब ये मेन है इसको आप ध्यान से देखना अब यहाँ पर मैंने फोल्ड कर दिया है फोल्ड करने के बाद अब हम इसको ऐसे ओपन करेंगे ओपन करके उसे इस तरीके से आप देख सकते हो ये एक तरीके से ट्रैंगल दिख रहा है ओके okay, इस तरीके से हम इसको प्रेस करते हुए दबाएंगे मतलब जिसे हमने फोल्ड किया है उसे हमने सॉरी जिसको हमने फोल्ड किया उसको अभी हमने ओपन किया है उसके बाद एक और हम फोल्ड करेंगे यहाँ पे इसे हमें सेंटर में लेना है मीनस जहाँ पे हमारा ये वाला पेपर फोल्ड हो रहा है वहाँ पे उसके बाद उसके ऊपर एक बार और हम इस तरीके से पेपर को फोल्ड करेंगे ओके okay, आपने देखा है मैं आपको ओपन करके एक बार फिर से करके दिखा रही हूँ पहले हमने पेपर को इस तरीके से फोल्ड किया है फोल्ड करने के बाद इसे हमने यू ओपन किया है ओके उसके बाद इस साइड से भी हम लोग ऐसे ही ओपन करेंगे फिर या तो आप इस तरीके इधर साइड से या इधर साइड से कहीं से भी पहले आप एक बार फोल्ड कर लीजिए तो मैंने अभी ऐसे ओपन करके फोल्ड किया है उसके बाद इसके ऊपर मैं एक और पेपर का फोल्ड कर रही हूँ ये हमारा नीचे का बेस है ओके तो अब यहाँ पे हम लोग ग्लू से इसको अच्छे से पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे मैंने कॉर्नर में पहले थोड़ा सा ग्लू लगाया है ग्लू लगाकर अभी मैं इसको पहले एक साइड से हम लोग पेस्ट करेंगे ये सारा काम हमें आराम से करना है और थोड़ा रुक कर करना है जैसे अभी मैंने एक बार पेस्ट किया उसके बाद हम थोड़ा रुकेंगे फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो अभी यहाँ पे मैंने ग्लू लगा लिया है अब ऊपर से भी एक बार हम ग्लू लगाकर जो सेकंड वाला फोल्ड है वो पेपर है उसको हम इसके ऊपर लाकर पेस्ट करेंगे ऐसे ओके पेस्ट करने के बाद इसको हम लोग अच्छे से प्रेस करेंगे ओके तो ये हो गया है अभी पेपर गीला है तो जैसे कि मैंने पहले बताया है ये यहाँ पे मुझे वीडियो बनाना है इसलिए मैं सारा चीज़ इमीडिएटली कर रही हूँ आप थोड़ा सा रुक कर जब वो थोड़ा सूख जाएगा उसके बाद ही आगे का स्टेप करना अब हम क्या करेंगे वो सूखने के बाद साइड से पेपर को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर भी मैंने तीन सेंटीमीटर लिया है आपका पेपर का साइज़ Uh, जो है उसके अकॉर्डिंग आप ये कम या ज़्यादा कर सकते हैं बिना स्केल के भी आप इसे uh, कर सकते हो फोल्ड करते बट अगर आप पहली बार बना रहे हो तो इस तरीके से स्केल से uh, नाप कर ही इसको करना तो यहाँ पर भी सेम मैं तीन सेंटीमीटर ले रही हूँ फोल्ड कर रही हूँ फोल्ड करने के बाद इसे हमें अच्छे से प्रेस करना है ताकि यहाँ पे एक कट बने जब हम लोग पेपर इसको ओपन करेंगे ना ये जो हम जहाँ जहाँ पेपर हम लोग फोल्ड कर रहे हैं वो कट हमें दिखना चाहिए तो हमारा जो बैग है वो अच्छे से स्टैंड रहेगा अभी मैंने इनको प्रेस कर लिया प्रेस करने के बाद हम इस बैग को अभी ओपन करते हैं पेपर बैग को आराम से पेपर गीला है पेपर थोड़ा सा नाजुक भी है तो इसलिए हमें इसे आराम से ओपन करना है साइड से ओपन करने के बाद देखो हमने जहाँ नीचे से फोल्ड किया था उसको भी आराम से अभी हम ओपन करेंगे स्लोली पर जैसे अगर ग्लू गीला है तो थोड़ा देर रुक कर मीन्स पाँच दस मिनट रुक कर जब वो सूख जाएगा उसके बाद ये वाला स्टेप करना है अभी ये ओपन करने के बाद जो साइड से यहाँ पे इसे आराम से ऐसे प्रेस करते हुए ले जाना है ताकि जो हमारा ये जो बैक का साइड पोर्शन है वो अच्छे से रहे अच्छे से दिखे और बैक अच्छे से खड़ा भी रहे तो दोनों तरफ से हम लोग यू प्रेस करते हुए अच्छे से इसको प्रेस करेंगे देन उसके बाद एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे इस साइड से भी सेम हम वही करेंगे दोनों कॉर्नर को पहले हम लोग अच्छे से ओपन करके फिर न्यूज़पेपर का जो बैक है उसको यू ओपन करेंगे देखो अब हमारा बैक एकदम बैक का बेस बन के रेडी है अब हम इसमें लगाएंगे धागा रोप तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग छोटा सा होल करेंगे यहाँ पे मैं पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ आप पेन से या फिर कोई भी नुकीली चीज़ से एक छोटा सा इसका होल करना बहुत बड़ा नहीं करना अदरवाइज़ पेपर फट जाएगा तो यहाँ पे मैं जो जूट वाला रस्सी है उसका यूज़ कर रही हूँ आप जैसे कि मैंने बताया जो आपके पास है आप वो यूज़ करना इसके साथ मैं एक और वीडियो भी शेयर कर रही हूँ वो मैंने आ, क्राफ्ट पेपर पे बनाया है बट अगर आप पहली बार इसी न्यूज़पेपर से बनाओगे फिर उसके बाद वो वाला ट्राई करोगे क्योंकि वो पेपर हम लोग परचेस करके बनाएंगे तो वेस्ट हो जाएगा अगर नहीं बना तो इसलिए सबसे पहले फर्स्ट टाइम हम न्यूज़पेपर से बनाएंगे देन हम वो वाला बैग बनाएंगे तो अब मैंने इसमें रोप डाला है रोप डालने के बाद यहाँ पे इसको हम लोग एक गठान लगाएंगे ताकि रस्सी बाहर ना निकल सके इस तरीके से तो जूट की जगह आपके आप घर में जो भी है वो ऊन जिससे चाहे उससे आप इसको बांध सकते हैं दोनों साइड से मैंने अच्छे से गठान लगा लिया है गठान लगाने के बाद ये भी आराम से करना है अगर आप बहुत ज़्यादा खींचा तानी करोगे तो पेपर फट जाएगा ओके तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बांध लिया है अब सेकेंड साइड भी सेम ऐसे ही धागा बांध देंगे तो अब सेकेंड साइड का भी बन के रेडी है तो ये है हमारा पेपर बैग पेपर बैग बन के रेडी है इसे थोड़ा सा सूखने देना है उसके बाद यूज़ करना है तो ये पेपर बैग बन के रेडी है अब मैं इसको थोड़ा सूखने देती हूँ मैं आपको एक और पेपर बैग दिखा रही हूँ ये मैंने एक दिन पहले बनाया था तो ये काफ़ी अच्छे से सूख गया है तो इसको भी सेम मैंने ऐसे ही बनाया बट ये थोड़ा सा बड़ा पेपर है ओके और न्यूज़पेपर से पेपर बैग बनाते समय पहले उसे हमें डबल करके उसे थोड़ा मोटा करना है देन उसके बाद ही पैक बनाना है फिर आप इसमें जो चाहे वो रख सकते हो अगर सिंगल पेपर में बनाओगे तो वो फट जाएगा भी ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट न्यूज़पेपर बैग ज़रूर बनाओ और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो थैंक यू